यूपी बोर्ड क्लास सिक्स का सिविक्स चैप्टर नंबर सेकंड है ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभ्यास प्रश्न का प्रश्न नंबर एक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि कथन का में कह रहा है कि ग्राम पंचायत का चुनाव कितने वर्ष के लिए होता है। तो ध्यान में रखें दोस्तों, जो हमारा ग्राम पंचायत होता है उसका जो चुनाव होता है 5 वर्षों के लिए होता है। दूसरा पॉइंट है, पंचायत समिति के सदस्यों को चुनने वाले मतदाता की आयु कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, जो जो हम जिस किसी भी पंचायत समिति में आपको मतदाता अगर बनना है तो आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, कम से कम 18 वर्ष की उम्र आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। पहले ये उम्र कितनी थी, तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है पहले उम्र 21 वर्ष थी, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के बाद इसकी उम्र घटा के कितनी कर दी गई, ये कर दी गई 21 से 18 वर्ष की कर दी गई, यानी कि 18 वर्ष का कोई है तो वह वोट देने के योग्य हो चुका है। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत के प्रधान को क्या कहा जाता है। तो आपको पता है जो ग्राम पंचायत के प्रधान होते हैं उनको किसके नाम से जानते हैं, ग्राम प्रधान के नाम से जाने जाते हैं। पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा खालिस्तान की होती है। जो पंचायत की जिम्मेदारी होती है क्या है, उनका कार्य क्या होता है, जो ग्राम प्रधान रहते हैं उनका कार्य क्या है, तो उनकी कार्य होता है जो गांव की दशा है उसको सुधारने का कार्य उनका होता है। पंचायत को सरकार द्वारा क्या मिलता है, तो जो पंचायत होती है उसको सरकार द्वारा क्या मिलता है, अनुदान मिलता है। उस अनुदान से वो क्या कर सकते हैं, अपने गाँव की दशा सुधारने में उन पैसों का लगा सकते हैं अपने गाँव में, कि जिससे वो गांव की दशा सुधर सके। प्रश्न नंबर सेकंड है, दिए गए कथनों में जो सही हो उसके आगे सही, जो गलत है उसके आगे गलत का चिन्ह लगाएं। कथन का में पूछा जा रहा है कि पंचायत समिति का कार्य ग्राम में रोशनी का प्रबंध करना है। बिल्कुल सही है, पंचायत समिति का कार्य होता है कि गांव में बिजली यानी कि रोशनी का प्रबंध करना। दूसरा है, हर ग्राम सभा में एक पंचायत समिति होती है। ये भी बात बिल्कुल सही है, जितनी भी ग्राम सभा होती है उसमें एक पंचायत समिति होती है। पॉइंट नंबर थर्ड है, पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित नहीं होती है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो पंचायत समिति के सदस्यों की संख्या निश्चित होती है। मेला, दुकान, मकान आदि पर लगे कर द्वारा ग्राम पंचायत की आय होती है। तो आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके ग्राम में कोई आय का स्रोत नहीं है, आपको अनुदान नहीं मिल रहा है, अपने आप चाहते हैं कि अपने गांव को अपने गांव की दशा सुधारना चाहते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, जो मेला लगता है वहां से टैक्स ले सकते हैं, दुकान लगती है वहां से टैक्स ले सकते हैं, मकान है यहां से भी टैक्स लेकर के आप क्या कर सकते हैं, ग्राम पंचायत की जो दशा है उसको सुधार सकते हैं। ये बात बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर तीन है, मिलान कीजिए कथन का कथन खासे। तो आइए देखते हैं, कथन का में कह रहा है कि बढ़ई का कार्य क्या होता है दोस्तों, तो बढ़ई का कार्य है लकड़ी का सामान बनाना। शिक्षक का कार्य क्या होता है, तो शिक्षक का कार्य है शिक्षण कार्य। डॉक्टर का कार्य क्या होता है, तो डॉक्टर का कार्य होता है इलाज करना। राजगीर का कार्य क्या है, जो मिस्त्री होते हैं घर बनाते हैं उसको हम बोलते हैं राजगीर, तो राजगीर का कार्य क्या होता है, घर बनाना। और कुम्हार का जो कार्य होता है, मिट्टी के बर्तन बनाना। प्रश्न नंबर चार है, ध्यान से पढ़िए और बताइए। प्रश्न नंबर का में पूछा जा रहा है कि ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुने जाने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो दोस्तों अगर ग्राम पंचायत के सदस्य को चुनना है तो उसके लिए आपकी उम्र कितनी होनी चाहिए, आपकी उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, अपने ग्राम सभा के प्रधान का नाम लिखिए। तो दोस्तों अपने ग्राम जो भी जिस भी ग्राम सभा में आप रह रहे हैं बच्चों, वहाँ पर ध्यान रखेंगे, वहाँ पे आप पता करेंगे आपके ग्राम प्रधान कौन है, वहाँ पे अपनी कॉपी में उनका नाम लिख लीजिएगा, ठीक है। तो अलग अलग हो सकते हैं, जिसके गांव में जिस प्रधान जो भी प्रधान है उनका अपना नाम लिख लीजिएगा। प्रश्न नंबर गा है, यहाँ पे पूछा जा रहा है कि आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति में कुल कितने सदस्य हैं। जो आपकी ग्राम सभा की पंचायत समिति है उसमें कितने सदस्यों की संख्या है, ये भी दोस्तों आप अपने माता पिता से पूछ करके, जो आपको पूछेगा कितने आपके ग्राम सभा पंचायत में कितने सदस्य हैं और जितने होंगे उसको अपना नोट करके अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। अगला पॉइंट है, ग्राम पंचायत के कार्य। तो ग्राम पंचायत का कार्य क्या होता है, आइए उसके बारे में हम लोग जानते हैं और इसको अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा और
क्योंकि आपको तभी पता चल जाएगा कि आपके ग्राम प्रधान जो होते हैं उनका कार्य क्या होता है, क्या क्या कर सकते हैं और कौन सा कार्य नहीं हो रहा है। उसके लिए आप बोल सकते हैं कि ये कार्य करने का आपका अधिकार होता है, मतलब आपको मिला है तो ये करवाइए उसको। जब आपको पता रहेगा तभी तो पूछेंगे, सवाल करेंगे। जब आपको नहीं मालूम होंगे तो कैसे सवाल पूछेंगे। तो आइए देखते हैं, जैसे कि ग्राम प्रधान का कार्य क्या होता है। तो पंचायत की जिम्मेदारी गांव की दशा सुधारने की है। जो पंचायत की जिम्मेदारी होती है ना, वो क्या है कि गांव की दशा सुधारना है। ग्राम पंचायत यह देखती है कि गांव की जनता प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के द्वारा स्वास्थ्य की सुविधा प्राप्त कर रही है या नहीं। बच्चों को शिक्षा के लिए विद्यालय की निगरानी करनी है। गांव की गलियों में खड़ंजा बिछवाने, सड़क बनवाने, पानी की निकासी के लिए नाली बनवाने, बिजली, पानी के पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था तथा जन्म मृत्यु का ब्यौरा तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की होती है। तो आपने देखा क्या क्या कार्य हैं उनके अंतर्गत। पहली बात तो है कि जो ग्राम पंचायत की दशा होती है उसको सुधारने का कार्य होता है किसका, पंचायत का। दूसरा है कि जो आगे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र होते हैं वहाँ पे देखना है कि बच्चों को वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही है कि नहीं मिल रही है। तीसरा कार्य है विद्यालय में निगरानी करना, शिक्षक जो प्राइमरी विद्यालय रहते हैं उनकी निगरानी करना वहाँ पे, उसके बारे में इनका योगदान रहता है। तीसरा पॉइंट है जो गांव की गलियां हैं, खड़ंजे हैं, गलियां उनमें क्या करना, खड़ंजे भी बनाना है, सड़कें बनवानी है, पानी की निकासी की व्यवस्था भी करनी है, उसके लिए नाली बनवाना है, बिजली भी चाहिए है, बिजली का भी कार्य उन्हीं को देखना है, पीने के पानी इत्यादि की व्यवस्था भी उन्हीं का है, और जन्म और मृत्यु का ब्यौरा भी तैयार करने की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत की ही होती है। यह जरूरतमंदों की पहचान करने और कार्यों की प्राथमिकता का निर्णय भी अपनी बैठकों में करती है। गांव की सार्वजनिक संपत्ति का रखरखाव, जो गांव की सार्वजनिक संपत्ति है उसके रखरखाव, इसके खरीदने तथा नीलामी का कार्य ग्राम पंचायत द्वारा ही होता है। पंचायत अपनी आमदनी का खर्च का हिसाब किताब रखती है। वर्ष में 2 बार पंचायत की बैठक होती है। बैठक में ग्राम पंचायत यह देखती है कि पंचायत समिति अपने कार्य ठीक ढंग से कर रही है या नहीं। तो ध्यान में रखेंगे वर्ष में कितनी बार पंचायत की बैठक होती है। वर्ष में 2 बार ग्राम पंचायत की बैठक होती है। बैठक में क्या होता है, बैठक में यह देखा जाता है कि ग्राम पंचायत जो है वह जो पंचायत समिति है वो अपनी कार्य ठीक से कर रही है या नहीं। तो ये इम्पोर्टेंट था, इसको ज़रूर याद कर लीजिएगा और लिख भी लीजिएगा और अपने देखिएगा कि अपने गांव में, आपके गांव में क्या क्या ये सब सुधार हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, आपके गांव की दशा बदल रही है कि नहीं बदल रही है। अगला प्रश्न है, अपने गांव में चल रही किसी सरकारी योजना का नाम व उसके कार्य लिखिए। मान लीजिए आपके गांव में कोई सरकारी योजना चल रही है तो उसका नाम क्या है, उसके कार्य क्या है, उसके बारे में आपको लिखना है, आप ये स्वयं कर सकते हैं। प्रश्न नंबर अगला है, यदि आपके गांव में पंचायत ना हो तो क्या कठिनाई होगी। मान लीजिए आपके गांव में पंचायत ही ना हो तो कौन कौन सी कठिनाइयां आपको देखने को मिलेगी उसके बारे में लिखिएगा। तो लिखेंगे उत्तर में, इसमें ग्राम पंचायत की जिम्मेदारी गांव की सदा दशा जो होती है सुधारने की है। पहली बात तो उसका कार्य क्या है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र द्वारा दी जाने वाली सुविधा गाँव की जनता को उपलब्ध करवाना, बिजली पानी की व्यवस्था करना, सड़कें एवं नाली बनवाना तथा जन्म मृत्यु का ब्यौरा तैयार करना इत्यादि। यदि हमारे गांव में पंचायत ही ना हो तो हमें इन सुविधाओं से वंचित रहना पड़ता है, बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तो जानते हैं कौन कौन सी कठिनाइयाँ हो सकती हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 5, ग्राम पंचायत के सदस्यों को चुनने के लिए आप वोट क्यों नहीं दे सकते हैं। मान लीजिए आप वोट देना चाहते हैं लेकिन आप वोट नहीं दे पा रहे हैं, तो क्यों नहीं दे पा रहे। तो आइए जानते हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है, क्योंकि ग्राम पंचायत का सदस्य चुनने के लिए मतदाता की जो उम्र होती है कम से कम कितनी वर्ष होनी चाहिए, 18 वर्ष होनी चाहिए। यदि आप 18 वर्ष की उम्र पार कर चुके हैं तो आप मतदाता हो चुके हैं, आप किसी भी ग्राम पंचायत में पंचायत का चुनाव कर सकते हैं अपने वोट का इस्तेमाल करके, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करके आप वहाँ का ग्राम पंचायत का सदस्य चुन सकते हैं। समूह गतिविधियां, विद्यालय में बालक सरकार द्वारा गठन कराएं। विद्यालय में क्या करना है, बाल सरकार का गठन कराएं। चुनाव की प्रक्रिया ग्राम प्रधान के चुनाव जैसी हो। तो ये आप अपने विद्यार्थी जो अपने अपने अध्यापक से बोलेंगे, एक प्रकार से वहाँ पे गठन करके एक तरीके से जो गेम होता है आप खेल सकते हैं किस प्रकार से ग्राम पंचायत बनती है, वो आप विद्यालय में इस प्रकार की आप
चीज़ें कर सकते हैं और उसका अनुभव ले सकते हैं प्रत्यक्ष रूप में, तो आपको और आसानी से समझ में आएगा किस प्रकार से ग्राम पंचायत का चुनाव होता है और किस प्रकार से लोग चुने जाते हैं। सो इसी के साथ ये चैप्टर भी कंप्लीट होता है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।